जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज हासिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसे हासिल ना कर पाने की जो दुख होती है वो बहुत बड़ी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी की सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, कई बार हमारे खुद के अवगुण हमारे बीच आ जाते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार उसके बीच आ जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस, ये एक ऐसा गुण है जो अपनाने की जरूरत है। चाहे कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट क्यों ना हो, चाहे हम खुद ही अपने अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन उसे भी एक्सेप्ट करना ये सबसे बड़ा गुण है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक्सेप्टेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमारी पूरी जर्नी चलती आ रही है, सीरीज चलती आ रही है वैल्यूज के ऊपर, ऐसे वैल्यूज जो धरोहर है, ऐसे वैल्यूज जो अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। एक एक गुण जो आप हर एपिसोड में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मैं समझती हूँ हमारे व्यूअर्स उसे धारण करते जा रहे हैं। साथ ही साथ एक्सेप्टेंस, ये शब्द तो बहुत ही सिंपल है, बोलते ही इसके अंदर एक संतुष्टता की फीलिंग आती है कि एक्सेप्ट करना है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है क्या, अगर आप हमें बता सके तो हम उससे रूबरू हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ। इसे तो भी बड़ा शब्द है, और कहेंगे कि एक्सेप्टेंस वह एक प्रकार से उसकी नींव है। ओके। कि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे जी, ना, मैं जो हूं जैसा हूं, एक बार तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, तब मेरा स्वमान अच्छा होगा। स्वमान अच्छा होगा तो फिर मैं और अच्छी चीजें करूंगा। ऐसे ही मेरे आसपास भी जो लोग हैं उनको भी मुझे बदलना है। यह बात नहीं कि भी हमें लोगों को नहीं बदलना है, परंतु आप एक बार एक्सेप्ट करो जी। आप जैसे भी वो है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और फिर कुछ जो आवश्यक कदम है उठाएंगे तो उनमें बदलाव ला सकते। okay. अगर आप उनको नकार देते, आप रिजेक्ट करते, तो व्यक्ति भी आपको रिजेक्ट करेगा। True. जैसे भी शादी हुई, पति पत्नी है, अगर एक दूसरे को रिजेक्ट किया तो सामने वाला भी रिजेक्ट करेगा। है ना, बच्चों को भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो भी आपको रिजेक्ट करेंगे। तो इसलिए एक्सेप्टेंस वो फाउंडेशन है, उसको अच्छे से समझना जरूरी है। परंतु अगर ये एक गुण हमारे जीवन में आ जाए, स्वीकार करना, तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मैंने मान लिया कि एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सुपरफिशियल लेवल पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे और हमें खुद ही रियलाइज नहीं होता। सपोज मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर मेरा मेरे भाई के साथ झगड़ा हो जाए तो वो मोमेंट पर मैं, हाँ ठीक है आप जो बोल रहे हो वही सही है, मैं इस बात पे सहमत हूँ, लेकिन जो मेरे वाइब्रेशंस होते हैं वो अंदर ही अंदर तो कुछ और ही बोल रहे होते हैं। बिल्कुल। मैं उसको बोल तो दूंगी कि मैं तेरी बात को मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो चीज बढ़ बढ़ के कोई और ही बात पे झगड़ा हो जाता है हमारा। वो मेरे हिसाब से इसी वजह से होता है क्योंकि मेरे सुपरफिशियल लेवल पे मैंने उसे एक्सेप्ट किया और दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ। तो
इस चीज को एनालाइज कैसे करें कि हाँ हमने दिल से उसे एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन अगर आपने दिल से एक्सेप्ट किया है तो उसके प्रति जो फीलिंग आएगी अच्छी आएगी। अच्छा, ये जो आपने बोला कि अगर सुपरफिशियली हमने एक्सेप्ट किया है तो आप देखना 2 घंटे में फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि 2 घंटे बाद हम किसी और ही बात पे झगड़ रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता, और वो इतना बड़ा रूप ले लेती है कि रियलाइज ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो एक्चुअली इंटरनली फुल्ली एक्सेप्ट करना चाहिए वो आपने नहीं किया था। ओके। और उसमें एक इसका फाउंडेशन ये भी है कि उसको एक व्यक्ति के रूप में एक्सेप्ट करो। ओके। उसकी गलती है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो डिमांडिंग है, बच्चे होते हैं कि अपनी चीज दूसरों को देना नहीं चाहते। नहीं, वो टीवी पे कोई पर्टिकुलर शो देख रहा है, आप जाके बोलेंगे मुझे चेंज करना है तो करने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं करने देगा। हाँ, उसका ईगो भी हो सकता है कुछ और चीजें की भी मैं देख रहा हूँ, या तो कोई भी उसके पास अच्छी पेन है, समझो उसके पास 2 अच्छी पेन है, आप एक मांगेंगे तो नहीं देगा, है ना जी। तो ये उसके एक बाहरी चीज हो सकती है, लेकिन अंदर से वो मेरे से प्यार करता है। करेक्ट, है ना, अंदर से वो अच्छा है। इस चीज को भी आप एक्सेप्ट करो कि ये सिर्फ उसकी कुछ एक्वायर्ड बिहेवियर हो गई, है ना, कोई इस प्रकार की उसमें ट्रेड आ गई कि जिसके कारण उसको लगता है कि बिन ये दोनों पेन मुझे चाहिए, या समझो 2 मोबाइल है, उसके पास और एक अच्छा मोबाइल है तो भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा कि मेरा गुम हो गया तो, है ना? तो वह एक बाहरी उसकी बिहेवियर है, लेकिन अंदर से वह अच्छा व्यक्ति है, है ना, उस प्रकार से उसे एक्सेप्ट करो। और एक्सेप्ट करेंगे ना तो वाइब्रेशन अच्छे जाएंगे। नहीं, मूल बात तो ये ना कि भी हमारी वेवलेंथ मैच होती है या नहीं। ये एक्सेप्ट करने की जो बात यहीं पर है कि भी वो वेवलेंथ जो है वह परिवार में सबकी अगर कुछ हद तक भी मैच हो तो फिर हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे। और कई बार लोग ये भी कहते कि इसमें बहुत सारी कमजोरी, कैसे एक्सेप्ट करें? परंतु आप एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आगे चल के चेंज आएगा। बिल्कुल। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो व्यक्ति अपने आप में सुधार भी नहीं लाएगा। ये बात भी एकदम सही कही आपने। भी सुधार लाने की बात है जी, परंतु वो सुधार आने के लिए सारा है ना साइकोलॉजिकल बहुत कुछ। ओके। बल लगता है सुपरफिशियल, ये छोटी सी बात है कि आज जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारा व्यवहार है, वो कहते 2 नियम है कि प्लेजर एंड पेन। ओके। है ना, आज हम दर्द से दूर होना चाहते हैं, है ना, सुख के नजदीक जाना चाहते हैं, प्लेजर के आनंद के नजदीक जाना चाहते हैं, है ना जी। आपने खुद देखा होगा, देखो एक छोटी सी बात है ये, बहुत सारे जो दर्शक हमारी बहनें हैं उनको ये अनुभव होगा कि भाई बच्चा स्कूल से आया, उसको कहो पढ़ो तो 15 मिनट में ये भूख लगी, है ना, खाना दो, अब ये भी उसने खाना खाया है कि आधे घंटे कहता है मुझे भूख लग गई, क्योंकि वो पढ़ना नहीं है तो कुछ ना कुछ और पढ़ने का पेन है ना, वो खाने में कहीं ना प्लेजर है, तो वो अनकॉन्शियसली भी भूख लग गई। अभी वही बच्चा दूसरे दिन समझो उसको स्कूल जाने में देरी हो रही है, है ना, तो ये भी कहेगा नहीं 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 मम्मी नाश्ता करे बिगड़ जाता हूँ, फोर्स भी करोगे नहीं खा लेकर, नहीं 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 मुझे नाश्ता नहीं करना है, स्कूल में लेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्कूल में वो टीचर डांटेगा। बिल्कुल। कि वह जो पेन है, यहाँ भी पेन है कि भी खाना नहीं खाया तो उसको भूखा रहना पड़ेगा, परंतु टीचर से जो उसको स्कोल्डिंग मिलेगी, डांट मिलेगी, वह पेन बड़ा है, तो इसलिए इस पेन को वह सहन कर लेता है। और उसे रियलाइज भी नहीं होता है। हाँ, हाँ। कई बार लंच टाइम तक, जब तक ब्रेक टाइम आएगा तब तक उसे रियलाइज भी नहीं होगा कि मैंने कुछ खाया किया ही नहीं। बिल्कुल। तो नहीं, इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये सारी अब हमारी बिहेवियर है। तो किसी में आपको चेंज भी लाना है तब भी पहले एक्सेप्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल कि भी बच्चा चोरी करता है ना, जब आपको पता चला तो तभी कुछ नहीं कहो, तभी आप बहुत डांट लगाएंगे ना, तो चलो उसने चोरी तो की,
अगर वो सेंसिबल है तो उसको भी दुख है कहीं, परंतु आपने और डांट लगाई तो और वो डिप्रेस हुआ। उससे अच्छा तभी एक्सेप्ट करो कि चलो आपने ऐसा किया, और आप फ्रीली बताओ कि भी क्या आपको है, भी कोई चीजें हम आपको नहीं दे पाते हैं, नहीं आपकी जरूरतें पूरी नहीं होती है, और कुछ आपको चाहिए। और आपने ओपनली अगर पूछा और बच्चे ने कहा और आपने एक्सेप्ट किया उसको, तो फिर वो दोबारा भी सच बोलेगा। ओके, है ना, हम उसको डांटते हैं या तो चलो डांटा नहीं भी, परंतु हमारे व्यवहार ऐसा हो गया कि हम नाराज है, दो दिन तक आपने उससे अच्छे से बात नहीं की, तो बच्चे को यही संदेश मिला कि सच नहीं बोलना है। कि नहीं, सच बोलता हूँ तो मम्मी नाराज होती है। और बच्चे को तो ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये वैल्यू है या ये मेरे लिए हानिकारक है। वो तो वही देखेगा जो रिएक्शन मिल रहा है, उसी पे वो रेसिप्रिकेट करेगा, उसकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब, आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हैं, उनके अंदर में एक्सेप्टेंस की पावर बहुत कम होती जा रही है कि शायद जो मम्मी डैडी कह रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसे में पेरेंट्स को किस लेवल पर अपने आप को चेंज करके, बच्चों को एक्सेप्ट करके और फिर उसे चेंज करने में अपने आप को हेल्प करें, ये कैसे पॉसिबल है? इसमें तो दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये जो सारी बात है ना, वो बच्चा जब छोटा है तब से शुरू होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे हैं ना, तब तो कहते हैं कि भी वो स्पॉन्ज की तरह है। ओके, कि नहीं, वो जो भी है ना उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो उस समय अगर हम कुछ करें, ओके, कि भाई आप भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ने बिठाते, आप भी पढ़ो, आप भी मेडिटेशन करो, तो बच्चे ऑटोमेटिक मेडिटेशन करने बैठ जाएंगे ना, ऐसे। तो बेसिकली फॉलो फादर। हाँ, फॉलो फादर, जो भी आपको वैल्यू सिखानी है, बचपन का समय सबसे अच्छा है। okay. एक तो खेलने तो दो ही, लेकिन जो भी सिखाना है वो तब सिखाओ। okay. अब की जो आप बात करते हैं, वो बच्चे शायद थोड़े बड़े हो गए, करेक्ट है ना, 11 नहीं, साल के, 12 साल के, तो 5 साल के बच्चे भी इतने जिद्दी हो गए हैं, आई एम टेलिंग यू, आप बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, जिद्दी तो है, वो तो परफेक्ट है, बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ना, ये भी बात कही गई है कि बच्चों को कुछ सिखाना है ना, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो कॉपी करने में होशियार है, है ना। आप बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे, दे वोंट डू व्हाट यू टेल देम, बट दे विल डू व्हाट यू डू। हमारी बिहेवियर में वो देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आएगा। बिल्कुल, मैं समझ, या तो जब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है तब उनको प्यार से बिठाओ, उनको समझाओ, तो वो बात को समझ जाएंगे। लेकिन पेरेंट्स क्या समझते, भी तुरंत एक बस फोर्स करके करवाना चाहते हैं, इसके कारण नहीं होता। और समझो बड़े भी हो गए, अभी आप कहते कि भाई वो वीडियो गेम को छोड़ ही नहीं रहे, है ना, तो एक बार वो तुरंत फोर्स करके नहीं करो, जिससे जिसको कहते लीडिंग क्वेश्चन ही पूछो कि भी तुमको कितनी देर देखना है, वो एक बोल सकते कि मुझे और 20 मिनट वीडियो गेम खेलनी है, है ना, तो बोलो परफेक्ट है, 20 मिनट तुम खेलो, है ना, 20 मिनट के बाद उसको स्टॉप करना। करेक्ट, तब एक शब्द भी नहीं बोलो। फिर है ना, प्यार से बताओ, तो शायद तब वो छोड़ भी दिया, तो ये भी हो सकता है, तब कहेगा और 5 मिनट देखता हूँ, तब भी वो उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। True. फिर भी 5 मिनट के बाद भी उसने स्टॉप किया, तब फिर बैठ करके, अभी यहाँ पर भी जैसे पेन और प्लेजर की मैंने बात की ना, कि भी पढ़ना वो पेन है और वीडियो गेम देखना वो प्लेजर है, तो इसके कारण वो पेन होता नहीं है। एक सिंपल सी एक्सरसाइज ये कर सकते हैं कि अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग करके पढ़ाई की और जो मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ वो मैंने हासिल कर लिया, तो मुझे क्या क्या प्राप्तियां होगी, इसका अगर बच्चा अच्छे से लिस्ट उसके पास रेडी हो, कहीं लगा भी दो, मैं तो कहता हूँ, है ना, अच्छे से टाइप करके फ्रेम करके लगा दो कि ये मैंने हासिल किया। जैसे समझो किसी को MBA करना है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, एक पायलट बनना है उसे, तो मैं ये हासिल करूंगा तो क्या क्या होगा। सिर्फ मनी नहीं है कि भी इनकम अच्छी होगी, घर अच्छा होगा, मेरे पास कार अच्छी होगी, सेल्फ एस्टीम होगी, फिर लोग मुझे पूछने के लिए आएंगे, है ना, आई विल बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
कि वो सार अगर वो सोचने लगे ना व्यक्ति की भी ये मिलने वाला है, तो फिर तो 2 घंटे कुछ भी नहीं है, 200 घंटे भी वो दे देगा, सोचो, क्योंकि उसके बाद मुझे ये प्राप्ति होने वाली है और वह उसके द्वारा रियलाइज कराना चाहिए, हम बोलेंगे तो नहीं होगा। वो खुद लिखे उसमें, और चाहे तो एडिशन भी करवा सकते हैं कि इससे मेरे को पढ़ने से ये बेनिफिट्स होने वाले। जैसे ना कि वेट कम करने की बात है ना, कि यह बिहेवियर भी बहुत मुश्किल है, भी डाइट देना बहुत इजी है, आजकल डाइटिशियन एग्जैक्ट लिख के देते कि इतना ही तुमको, 1 कप पोहा खाना है ना, 1 स्लाइस ब्रेड लेना है, लेकिन वो मुश्किल होता है, इतना तुम्हें सैलेड्स खाना है, वो सैलेड्स देख के लगता है ये भी कोई खाना है क्या। कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, नहीं भले उसको वेट कम करना है बिल्कुल, परंतु उसमें टेस्ट नहीं है खाने में बिल्कुल। तो अब अगर फिर भी वो खाना टेस्टी लगे, आप खुशी से खाओ, अगर आप है ना दुख से खाएंगे, अरे कुछ भी डाल रहा हूं अंदर में, चलो एक बार तो खा, लेकिन फिर से भूख लगेगी। हो सकता है आपने 4 दिन किया, उसके बाद तो 10 गुना खाओगे। 4 दिन तक आपने वो पिस्टन को दबा के रखा, जब वो निकला तो फिर जिसको ब्रिंज ईटिंग कहते हैं, व्यक्ति खाता ही रहता है। तो अब यहाँ पर भी वो खाने में आनंद आना चाहिए। वो कैसे आएगा? यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो पहले भले थोड़ा वो ऐसा खाया कि जो टेस्टी नहीं है परंतु हेल्दी है, उसके ऊपर भले थोड़ा सा खा लो कि जो टेस्टी है परंतु हेल्दी नहीं है, एक तो ये तरीका हो सकता है बिल्कुल। दूसरा ये तरीका है कि ये पूरा वो जो है ना, मैं ये पेन को सहन कर रहा हूँ परंतु अंत में क्या मिलेगा, करेक्ट, कि भी मेरा वेट कम होगा तो मुझे खुद ही अच्छा लगेगा, True. मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, लोग भी मेरी प्रशंसा करेंगे, है ना, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसे जो भी बेनिफिट्स है, कि भी लोग मेरे को पूछेंगे अरे तूने कैसे वेट किया, क्या किया, तो कितना अच्छा लगता है, True. ना, तो ये सब चीजें जो उसका प्लेजर है, आनंद है बाद का, वह सामने आए तो वह जो हेल्दी खाना है जो टेस्टी नहीं है वो भी आप खुशी खुशी खा लेंगे। True. कुछ लोग कहते हैं कि नो पेन नो गेन। एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया कि दूसरों को कैसे एक्सेप्ट करना है, अब मैं जानना चाहती हूँ कि खुद को कैसे एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल, मैं जो हूँ जैसी हूँ अच्छी हूँ, दिस इज द बिग थिंग, ये चीज, क्योंकि डॉक्टर साहब जो आज तक हम सुनते आए, हमारे इंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर में ये एक थॉट आती है कि मुझे इन जैसा बनना है, या मुझे इस व्यक्ति की तरह बनना है, या इस मुकाम पर पहुंचना है। हम बहुत एम्बिशियस होते हैं, कहीं ना कहीं हम एम्बिशन के चक्कर में अभी जो मैं जैसी हूँ उस चीज को भूल जाते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं करती। कई बार जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, जो व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी करियर में या अपनी लाइफ में कोई भी चीज में, तो वो अभी जो चीज है उसे उस पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, फ्यूचरिस्टिक इतना ज्यादा हो जाते हैं कि प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। करेक्ट, ऐसे में क्या किया जाए? तो वही कि आपको फ्यूचर में कुछ करना है, परंतु ये पक्का सोचो कि प्रेजेंट में मैं जो हूं जैसा हूं अपने आप को एक्सेप्ट करूंगा, तब ही वो जो सारे सक्सेस के इंग्रेडिएंट्स है फ्यूचर में जो जो मुझे चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स तभी आएंगे, जैसे कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, हार्ड वर्क, है ना, वो सब तभी आएगा कि जब आपका आप माइंड पीसफुल होगा। अगर आप डिस्टर्ब है, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो कैसे आएगा? दूसरी एक बात जरूरी है कि यह पक्का करो कि आई एम अ यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, है ना, हर प्रकार से हम यूनिक है, भी हमारी फिंगरप्रिंट अभी है ना, कि भी फिंगरप्रिंट से अच्छा लगा मुझे भी, कि भी फिंगरप्रिंट से आप सब कुछ कर सकते, पासवर्ड तो कोई चुरा लेगा ना, फिंगरप्रिंट मेरी यूनिक है और किसी की भी मेरे जैसी नहीं है। तो ऐसे ही जो भी फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली हम हैं, वह हम हर प्रकार से यूनिक है ना।
दिस इज सो मोटिवेटिंग. आई थिंक ये थॉट बहुत मोटिवेटिंग है कि हम सभी यूनिक है. अगर ये थॉट हमारे दिमाग में आ जाए तो खुद को एक्सेप्ट करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी. और दूसरा ये भी कि मेरा पास्ट कैसा भी है, मेरा प्रेजेंट कैसा भी है, कोई बात नहीं. मैं अगर प्रेजेंट को एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा. अगर मैं प्रेजेंट को रिजेक्ट कर रहा हूँ, प्रेजेंट के बारे में बुरा सोच रहा हूँ कि अरे मेरा घर अच्छा नहीं है, है ना, कि भी मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, तो आप फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे. True. तो अगर हमें अपने फ्यूचर को सुधारना है तो भी प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना, तो अपने आप को भी एक्सेप्ट करना है. बिल्कुल. तो अगर हमें अपने फ्यूचर को सुधारना है, अगर हमें एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं पहल खुद को एक्सेप्ट करने से करनी होगी, दूसरों को एक्सेप्ट करने से होगी और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से होगी. अगर ये तीनों चीजों को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली सिक्योर्ड है. थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो. ओम शांति. दोस्तों, आज के इस खूबसूरत एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से एक्सेप्टेंस हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है. मैं मानती हूँ कि सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें तोड़ कर रख देती है. मैं मानती हूँ कि लोग अगर हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमें कितनी तकलीफ होती है. लेकिन अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है या कल्याणकारी है, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर में एक सिग्नल आने लगता है एक्सेप्टेंस का, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा. इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान. ओम शांति. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज, गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड. कॉल 8094913487.